पटना रैली में बोले रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी का सीना 56 नहीं 156 इंच का। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की विजय संकल्प रैली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। रामविलास पासवान ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब दिया है उससे साबित हो गया है पीएम मोदी का सीना 56 नहीं 156 इंच का है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने देश के वायुसेना की ताकत को सलाम किया और कहा कि हमें बुधवार तो चाहिए लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध भी चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा, पहले तो हम लोग कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, लेकिन आज ये पटना का गांधी मैदान आपको सम्मानित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच नहीं 156 इंच है। आप सभी लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। रामविलास पासवान ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद हमने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% का टैक्स लगा दिया। पासवान ने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे उनकी सुरक्षा छीन ली गई। गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि हमें प्रण लेना है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट को जिताना है। रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय के लिए पीएम मोदी द्वारा किए गए कामों की तारीफ की। रामविलास पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक सद्भाव के लिए सामान्य जाति के गरीबों के लिए 10% आरक्षण अलग से दिया। उन्होंने कहा कि जब अदालत द्वारा इसे सटी एक्ट के प्रावधानों में तब्दीली की तो पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर दलित वर्ग के हितों के अनुरूप इस कानून में बदलाव किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी कुंभ स्नान करने के बाद मंदिर नहीं गए बल्कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर पखारे, ये देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। रामविलास पासवान ने कहा कि सफाई दूतों को सम्मानित कर पीएम ने देश की मर्यादा को बढ़ाया है।